तो भैया आज हम देखने वाले हैं बॉलीवुड के 6 लेटेस्ट छापे ऑन पाकिस्तानी इंडस्ट्री। मतलब यहाँ पर पठान का नाम भी लिखा हुआ है, शाहरुख खान की जो पठान आ रही है। अब उसके तो दो ही गाने, अब मैं देखना चाहता हूँ उसका कौन सा गाना कॉपी है। सभी समय की तरफ से वीडियो है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब हिम। लेट्स स्टार्ट हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शाहरुख खान की कई सालों बाद कोई फिल्म रिलीज होने जा रही है और इनके फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार था। इस फिल्म का नाम है पठान और इसको 25 जनवरी 2023 में रिलीज किया जाएगा। लेकिन फिल्म की हाइप को बढ़ाने के लिए चंद दिन कबल फिल्म का एक गाना लॉन्च किया गया जिसका नाम था बेशरम रंग। इस गाने को लेकर कई एतराजात किए गए और खास तौर पर हिंदू कम्युनिटी की तरफ से कई एहतजाज भी किए गए, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। बात हम ये करेंगे कि पाकिस्तान के लेजेंडरी सिंगर सजाद अली ने जब ये गाना सुना तो इन्होंने बगैर किसी फिल्म गाने या एक्टर का नाम लिए कहा कि मैं आज एक गाना सुन रहा था तो मुझे अपना 25 साल पुराना एक गाना याद आ गया। आवाम ने जब ये गाना सुना तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल पड़ा कि बेशरम रंग सजाद अली के 25 साल पुराने गाने की कॉपी है। आप लोगों को यकीन नहीं तो चलिए खुद ही सुन लें। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। जिस तरह सूखे हुए किताबों में मिले। सजाद अली ने 1998 में ये गाना रिकॉर्ड किया। कुछ लोगों ने सजाद अली पर भी तनकीद की कि आपने भी तो मेहदी हसन की गजल से इस गाने की शायरी को लिया है, तो अब जब आपका अपना काम चोरी हुआ तो आपको बुरा लगा। मेहदी हसन ने ये गाना 1972 में पाकिस्तानी फिल्म अंगारे के लिए गाया था और इसको नदीम और शमीम आरा पर पिक्चराइज किया, जिसके बाद सजाद अली ने ये वीडियो पैगाम जारी किया कि मैं तो अक्सर यूट्यूब पर अपने फैंस के साथ अपने पुराने गाने शेयर करता रहता हूं और ना मैंने किसी गाने या फिल्म को मेंशन किया, तो बराए मेहरबानी ना मुझे हेट दें और ना उन्हें। वैसे तो सजाद भाई, हम मानते हैं कि आप शुरू से ही बहुत भोले हैं, लेकिन इस बार भोलेपन में आप तीली लगा गए। वैसे मजाक अपनी जगह, लेकिन ये बात भी सच है कि इससे पहले भी सजाद अली के कई गाने इंडिया वाले कॉपी कर चुके हैं। जैसे कि जब 1999 में सजाद अली और फिल्म स्टार निर्मा की फिल्म एक और लव स्टोरी आई तो फिल्म तो इतनी हिट ना हुई, पर इसके गाने बहुत हिट हुए। और क्यों ना होते, आखिर सारे गाने सजाद भाई ने खुद गाए थे। और इस फिल्म का गाना मैं भी खरीदार हूँ सोनू निगम के वालिद अगम कुमार निगम ने 2009 में अपने अंदाज में कॉपी करके अपने एल्बम में पेश किया। मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा, प्यार कहाँ बिकता है पता बताना यारो। ये काफी पुराने सिंगर है भाई। इसके अलावा 2002 में रिलीज होने वाली फिल्म मैंने दिल तुझको दिया का सुपरहिट गाना थोड़ा सा प्यार हुआ है, इसकी धुन भी सजाद अली के 1995 के गाने याद तो आती होगी भाई। वैसे हिम्मत है सजाद भाई, इतना माल चोरी होने के बावजूद भी आपने कभी अपना टेम्पर लूज नहीं किया। अब इतनी छोटी मोटी तीली लगाने का हक तो बनता ही है। दोस्तों, सलीम जावेद पाकिस्तान के लेजेंडरी पॉप सिंगर हैं जिन्होंने 80s 90s में बेशुमार सुपरहिट गाने बनाए। इनका 1993 का एक गाना जुगनी तो इतना फेमस हुआ कि आज भी इसको लोग बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इसकी धुन को भी बॉलीवुड वालों ने कॉपी कर लिया। 1997 में अक्षय कुमार और उर्मिला की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अफलातून। इस फिल्म का गाना एक खबर छपवा दो अखबार में की धुन सलीम जावेद के गाने जुगनी से कॉपी की गई। ओ भाई, ओ भाई।
और फिर 2019 में फिल्म लुक्का छुपी में इस गाने की धुन को दोबारा कॉपी किया गया। आप खुद ही सुन ले, दोस्तों कॉपीड सॉन्ग की अगर बात की जाए तो हदीका कियानी का गाना बूहे बारियां इस मामले में बहुत बदकिस्मत रहा। इस गाने की शायरी हदीका कियानी की वालदा ने लिखी थी और इसको 1998 में लॉन्च किया गया। इस गाने को ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी छापा गया। हमारी गिनती के मुताबिक एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 10 बार छापा गया। ओ भाई, आइए आपको सबूतों के साथ एक्सप्लेन करते हैं। इस गाने की पॉपुलैरिटी को देखते हुए पहले तो पाकिस्तान में हलचल मची और डायरेक्टर सैयद नूर और डायरेक्टर संगीता आपा इस गाने को अपनी फिल्मों में शामिल करने की दौड़ में लग गए। लेकिन हदीका कियानी ने सबसे पहले सैयद नूर को इस गाने को अपनी फिल्मों में यूज करने की इजाजत दी और फिर सन 2000 में सैयद नूर ने इस गाने को अपनी फिल्म में पेश किया। संगीता आपा ने गुस्से में आकर इस गाने की धुन को कॉपी करके किसी अननोन सिंगर से गवा कर अपनी फिल्म में शामिल कर लिया और जिद में आकर इस फिल्म को सैयद नूर की फिल्म से 1 महीने पहले ही रिलीज कर दिया और कहा, सैयद नूर तुम जीत कर भी हार गए। ओ भाई वाह भाई, कंपटीशन हो तो ऐसा। फिर 2001 में पाकिस्तानी सिंगर जफर इकबाल जफरी ने भी इसको कॉपी किया। लेकिन इंडिया में सबसे पहले इस गाने की धुन को शाहरुख खान की फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम में कॉपी किया गया जो 2002 में रिलीज की गई। अरे हाँ, हाँ हम तुम्हारे, हाँ भाई ये गाना तो मेरा फेवरेट हुआ करता था यार। ओ भाई, पर ये कॉपी निकली इसकी धुन, पर स्टिल गाना बहुत अच्छा है। फिर इसी साल रिलीज होने वाली फिल्म ओ माय गॉड ये भी तुम्हारा में भी इसी गाने की धुन को कॉपी किया गया। गाने का नाम था दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं था अपन ने, अभी तक ध्यान नहीं देते थे अपन। ये भी सुपर हिट सॉन्ग अभी तक है, लोग अभी तक सुनते हैं। इस गाने भी ऐसे ही गाने होते हैं ना जो हमें कुछ याद दिलाएं। इस गाने को सुन के कुछ याद आता है, मुझे ऐसा लगता है ना, तो वो ऐसे ही गाने होते हैं। गाने को छापा गया। ओ भाई, फिर ये गाना तो पता नहीं कितनी बार छप गई। लेकिन 2019 में इंडिया के मशहूर सिंगर दर्शन रावल को खारिश हुई और इन्होंने इस गाने को कॉपी किया। बूहे बारियां ते नाले कंदा, ये मेरे को अब याद आया कहां से इस बंदे ने भी छाप दिया है। बूहे बारियां, फिर 2019 में ही इंडियन अमेरिकन सिंगर जैस्मीन कौर ने इस गाने को छापा। बूहे बारियां नाले कंदा टप के मैं आवांगी हवा बनके बनके। फिर 2022 में इंडियन सिंगर कानिका कपूर ने इस गाने को कॉपी किया। ये कितनी बार कॉपी हुआ है भाई, भाई इंडिया में कितनी बार हो गया। इंडिया में भी बहुत बार हो गया और पाकिस्तान में बहुत बार हो गया। पाकिस्तान में जंग छिड़ गई थी। की बारी आई तो हदीका कियानी के सबर का पैमाना लबरेज हो गया और क्यों ना होता, आखिर 25 साल वो खामोशी से तमाशा देखती रही और एक के बाद एक बगैर क्रेडिट दिए उनके गाने को छाप लेता था। और कानिका कपूर की ढिटाई तो देखें, गाना चोरी करने से साफ साफ मुकर गई और कहने लगी कि ये मेरा गाना बिल्कुल ओरिजिनल है, जैसे मोनी राय और आयशा टाकिया का माल ओरिजिनल है। इसे कहते हैं भाई, क्या एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, मेरा मतलब है सीना जोरी, बड़ा हरामी हो बेटा। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं पहले भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैं ये बता चुका हूं कि बकौल आपके कि आप लोग कहते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और इसका इतना बड़ा बजट है, बकौल आपके इतने बजट से तो पूरा पाकिस्तान चल सकता है, और फिर आपकी लॉलीवुड छोटी सी इंडस्ट्री उसका तो बजट ही कोई नहीं, बकौल आपके। चले भाई मान लिया कि हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है, लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि छोटी सी इंडस्ट्री में से ऐसे हीरे निकलते हैं जो आपके पास नहीं है शायद, और हमारे गानों को चोरी करने का रिवाज
आपका सालों पुराना है, लेकिन माइंड ना कीजिएगा भाई, चोरी करते रहे लेकिन क्रेडिट जरूर दिया करें, ताकि हमारे फनकारों को थोड़ा हौसला हो कि यार हमारी चीज आखिर इतनी अच्छी है कि हमारे पड़ोसी उसे खरीदने के बजाय चोरी कर लेते हैं। कोई गल नहीं यार, करते रहो, लगे रहो भाई, मुन्ना भाई लगे रहो। सब्सक्राइब भी कर दिया, लाइक भी कर दिया, और भाई ठीक है, हम अग्री करते भाई, पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री नो डाउट काफी अच्छी है, और पाकिस्तान का म्यूजिक इंडिया में बहुत ज्यादा सुना जाता है, स्पेशली कोक स्टूडियो के सॉन्ग्स, और अभी जो कहानी सुनो कैफी खलील का चल रहा है, इतना सुना जा रहा है वो भी भाई, बहुत ज्यादा सुना उसका भी बनने वाला है। लेकिन थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी की धुन तो एकदम एग्जैक्टली वैसी थी भाई, लेकिन मैं कहूँगा बेशरम रंग का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, मुझे लग रहा है वो कोइंसिडेंटली मैच हो गया है। बहुत सारे ऐसे केसरिया तेरा इश्क है पिया भी कोइंसिडेंटली मैच हुआ था। अरे बहुत सारे सॉन्ग्स है जो कोइंसिडेंटली मतलब सिमिलर सी ट्यून है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसी गाने के लिए बनाई, सेम ही ऐसा नहीं है, क्योंकि लिरिक्स पे भी कई बार ट्यून मैच होनी चाहिए, ऐसा अभी तो होता है ना, तो वो उस लिरिक्स पे भी मैच हो रही थी, इस लिरिक्स पे भी मैच हो रही थी, तो इसलिए भी वो कहीं ना कहीं। बट बाकी के सारे गानों से मैं अग्री करता हूँ, इसमें जो जो भी गाने दिखाए भाई कॉपी थे भाई पूरे भाई, नो डाउट यार, मानना पड़ेगा पाकिस्तान म्यूजिशियंस के पास है, लेकिन इंडियन म्यूजिशियन ने उनको संवारा ही है, क्योंकि जितने भी गाने उन्होंने बताए ये सारे सुपर डुपर हिट गाने रहे। इसका मतलब इनको मसला भी नहीं है कॉपी करने से, उनका बस सिंपल सा पॉइंट ये है कि क्रेडिट दो यार, तो दो यार, पैसा मत दो, क्रेडिट दे दो बस, तो दो नीचे लिख दो, हाँ यार इतना तो लिख दो कि ओरिजिनल किसने दिया बनाया एटलीस्ट। सही बात है यार, वैसे कई बार टी सीरीज खरीदता भी है गाने, जैसे आसिम अजहर से लिया था मलंग मूवी में, और भी कई गाने खरीदे भी है, लेकिन कई बार कॉपी भी हो जाता है भाई ये तो। बट जो भी कहो, जब भी इंडियन आर्टिस्ट डायरेक्टर उस सॉन्ग को रिमेक करता है वो सुपर डुपर हिट जाता है, ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि वो प्रोडक्ट में दम होता है ना, तभी तो कॉपी होता है वो। ये प्रोडक्ट वही कॉपी होता है जिसके, लेकिन वहाँ पे व्यूज कम आते हैं ना यार, फिर यहाँ पर जब वो बनता है ज्यादा म्यूजिक को इतना सपोर्ट करता है, इस्लामिक लोग है और वहाँ पे आबादी भी कम है, तो इसलिए व्यूज कम होते हैं, और यहाँ पर जब भी आता है तो वो सुपर डुपर हो जाता है बिल्कुल। तो भाई ये था बॉलीवुड छापा फैक्ट्री पार्ट 7,55,55 नंबर कुछ भी डाल दो, है ना, 666666 पार्ट इन्फिनिटी एंड गेम, बस एंड गेम, अब एंड गेम है भाई, पार्ट एंड गेम है ये, ठीक है। तो भाई कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, इस पे और भी बहुत सारे हमने पार्ट बनाए, प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।